नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिनभर के कार्यक्रम में। मैं हूँ अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। अक्सर विवादित सुर्खियों में रहने वाला जिला हमीरपुर का बहुतकनीकी संस्थान एक बार फिर से आ गया है विवाद में। संस्थान के एक पूर्व इलेक्ट्रिकल विभाग के छात्र ने संस्थान पर मानसिक प्रताड़ना, प्रैक्टिकल न करवाने और आंसर शीट पर मनगढ़ंत ढंग से नंबर लगाने के लगाए आरोप। जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा ने सूचित किया है कि दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए जिला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से विशेष शिविरों का किया जा रहा आयोजन। शिविरों में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग लगाने के बारे में आकलन, चिकित्सा प्रमाण पत्र, UDID कार्ड बनाने का किया जाएगा कार्य। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में उलझी नगर परिषद सुजानपुर को अब 31 जनवरी को ही मिल पाएगा नया अध्यक्ष। सुजानपुर नगर परिषद में मतदान प्रक्रिया के तहत नए अध्यक्ष का चुनाव आज कोरम पूरा न होने के कारण दी गई अगली तिथि। प्रक्रिया में 9 में से केवल 5 पार्षद रहे उपस्थित। घुमारवी उपमंडल की पंचायत कसारू के गांव गुलों के रहने वाले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। घुमारवी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को लिया कब्जे में।